नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आजकल हर जुबान पे है। चुनाव का मौसम है और हर समय हर जगह यही बात चल रही है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में एक नाम सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज हम उनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे कि क्या कहती है उनकी कुंडली और क्या है ऐसे राजयोग जिनकी वजह से वो इतने शिखर पे पहुँचे और आज उनको सर्वमान्य नेता माना गया है। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 11 बजे सुबह के मेहसाना गुजरात में हुआ था। इस हिसाब से उनकी कुंडली स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की ही कुंडली बनती है। जन्म के समय उनका लगन और उनकी जन्म राशि दोनों वृश्चिक राशि की है, इससे उनका लगन और भी स्ट्रांग हो जाता है और उनके ऊपर वृश्चिक राशि का पूरा प्रभाव देखने को भी मिलता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल लगन में ही अपनी राशि में बैठे हुए हैं और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग राजयोग बना रहे हैं, रोचक योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इसी के साथ नवम स्थान का स्वामी चंद्रमा नीच का होकर मंगल के साथ बैठा हुआ है, वो भी महालक्ष्मी योग बना रहा है और यह नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। और इस तरीके से उनके कुंडली में मंगल इतना प्रभावी हो गया है जो कि उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। आप जब भी देखेंगे उनके भाषण में, उनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा आकर्षण है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है और जब वो बोलते हैं तो उनका इतना प्रभावी व्यक्तित्व बन जाता है, वो इनका मंगल की वजह से ही है जो कि इनकी लगन में बैठा हुआ है और वो इनको इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है कि उनका बहुत लोगों को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं इनका कर्म भाव। कर्म भाव यानी 10th हाउस। कर्म भाव में शनि और शुक्र की युति बन रही है, ये भी एक बहुत प्रभावी योग बना हुआ है। शुक्र और शनि का एक योग दशम भाव में होना इनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनको कर्म योद्धा के रूप में ये सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि इनका जन्म ही जो है कर्म योगी की तरह ही हुआ है। और शुक्र इनकी कुंडली में पीड़ित है, शुक्र जो इनका वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहा है वो उसी की वजह से है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है तो उन्होंने आपके स्पाउस के साथ थोड़ा दूर उनको करा, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि भी शुक्र और शनि दोनों पे आ रही है तो वो संबंध इन्होंने टूटने भी नहीं दिया और दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट बना हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि मोदी जी देश के लिए ही बने थे और देश के लिए जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं त्याग करना ही पड़ता है, ऐसा मोदी जी की कुंडली में एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी तरह उनका दशम भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में या लाभ भाव में बैठा हुआ है, वो इनको एक प्रखर योद्धा बना रहा है और इनको एक सफल राजनेता की का योग दिया है। उसने साथ में वक्री होके बुध भी बैठा है जो कि बुध आदित्य योग बना रहा है जो कि इनको एक प्रखर वक्ता बनाता है। और आप देखते ही हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं तो फिर सारी जनता, सारा देश कितना ध्यान से उनको सुनता है और उनकी बोलने की जो शैली होती है उसमें पूरा बुध आदित्य योग का लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये ठीक है कि साथ में केतु बैठ के उनको कई बार जो है कुछ ऐसा बात निकल जाती है जो कि वो लोगों के निशाने पे भी आ जाते हैं और कई बार उन पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, लेकिन कुल मिला के उनका जो बुद्धादित्य योग है वो उनको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा एनर्जेटिक और एक बहुत बड़ा वक्ता बनाता है। पंचम भाव का स्वामी गुरु, वो भी चतुर्थ भाव में बैठकर एक राजयोग बना रहा है। जब केंद्र और त्रिकोण का कहीं भी संबंध बनता है तो कुंडली में राजयोग दिखाई देता है। तो मोदी जी की कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं कि उनको एक राजनेता तो उनको बनना ही था। हालांकि उनकी लाइफ में इतनी आसान नहीं रही है, उन्होंने बहुत एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को इस यहाँ तक पहुँचाया। उसका कारण इनका नीच भंग राजयोग बनना है क्योंकि इनका भाग्येश नीच का हो गया है, इसलिए इन्होंने लाइफ में इतना ट्रबल भी बहुत झेली हैं और इनको बहुत आरोप प्रत्यारोप का भी बहुत सामना करना पड़ा है, और लेकिन उन्होंने सबसे ओवरकम किया है क्योंकि वो
शनि और गुरु की एक दूसरे की दृष्टि है जो कि उनको लगातार कर्म की तरफ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और वो आज तक कोई भी ऐसा राजनेता नहीं हुआ जो कि 18-18 घंटे काम करता हो, लेकिन मोदी जी की कुंडली में भी ये दिखता है कि वो कर्मयोगी हैं और देशभक्त भी हैं, क्योंकि मंगल इतना ज़्यादा प्रभावी होकर बैठा हुआ है कि वो अपना उनका सारी चीज़ें देश का जज्बा उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और वो उनकी हर चीज़ में दिखाई पड़ता है। चतुर्थ भाव का गुरु जो है वो उनकी माँ के बारे में बताता है कि माँ भी इनकी जो है बहुत इनको मोटिवेट करने वाली महिला रही होंगी, हालांकि शनि की दृष्टि भी उस पर आ रही है तो उनकी लाइफ भी बहुत आसान नहीं रही होगी। और क्योंकि चतुर्थ भाव का गुरु जो होता है, गुरु जहाँ बैठता है वहाँ के फल का कमी करता है, इसलिए उन्होंने उनको माँ के सुख में कमी करी, माँ से उनको दूर रहना पड़ा और घर से दूर रहकर उन्होंने अपने कर्म की वजह से उनको अपने घर से दूर रहना पड़ा। इस तरह से पंचमेश गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठकर माता को से बहुत अटैचमेंट देते हैं, लेकिन उसके दूरी रखते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, गुरु और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री वो 3 बार बने, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने और इस दौरान उनको कई बार ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़े कि उन पर कुछ लाछन भी लगे। 2002 में उनकी वीनस में सैटर्न की दशा चल रही थी, वीनस और सैटर्न जो है वो साथ में बैठकर एक जो है वैसे बहुत प्रबल राजयोग बनाते हैं, लेकिन उस समय उनको बदनामी का भी थोड़ा सामना करना पड़ा। 2011 से मोदी जी की चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा नवमेश या भाग्येश होकर लग्न में बैठे हुए हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और महालक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। इस दौरान इन्होंने काफ़ी सफलता अर्जित की है और 2014 में ये प्रधानमंत्री बने। अभी भी मोदी जी की चंद्रमा की ही दशा चल रही है, इस समय 2019 में उनकी चंद्रमा में केतु की अंतर दशा चल रही है, इस पर उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह हम आगे भी बड़ी बड़ी हस्तियों की कुंडली डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसी के साथ मैं रत्ना श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।